गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि आपके इकोनॉमिक्स के सेक्शन से चैप्टर नंबर 18 इकोनॉमी सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, हमारे यहाँ जो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि काम, कि हम किन किन जगहों पर हमें रोजगार मिलता है, कौन कौन से वेरियस सेक्टर्स हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, द मैन पावर ऑफ एनी कंट्री परफॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी फॉर इट्स लाइवलीहुड। सम डू फार्मिंग, सम वर्क इन फैक्ट्रीज और सम डू ट्रेड और बिजनेस। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी प्रॉपरली एंड शुड स्टडी दोज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन विच पीपल्स आर वर्किंग। मैन पावर ऑफ आवर कंट्री परफॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म क्यों करता है वो, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड जी सके, जिसमें कि उसके बेसिक एम्यूनिटीज होती है उसको फुलफिल कर पाए। इसके लिए वो क्या करता है, कुछ लोग फार्मिंग में इंडल्ज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में एज ए वर्कर काम करते हैं, कुछ बिजनेस डाल रखा है, कुछ ट्रेड कर रहा है, कुछ जॉब्स कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे, चैप्टर में स्टडी यही करेंगे कि जो एक्चुअल इकोनॉमी लाइक करती है एम्प्लॉयमेंट से, वो कौन कौन से वेरियस सेक्टर्स हैं जहां से हम अर्निंग करते हैं, हमारा देश कहां कहां से अर्निंग करता है। ओके, इसमें जनरली दोस एक्टिविटीज आर कॉल्ड एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर वेयर नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बेसिकली तीन सेक्टर्स में बांट रखा है। ओके, अब इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ओके, तीन सेक्टर्स में बांट रखा है। इसमें प्राइमरी सेक्टर में क्या काम होता है कि जो भी हमें आउटकम, जो भी मतलब ऐसा जरिया कमाने का जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेस इन्वॉल्व हो या फिर हमें नेचर से मिलती हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल आप जो एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम बोल सकते हैं एज अ प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज हमें वो नेचुरल रिसोर्सेस बाई नेचर हमें मिलता है। आप अगर माइंस या मिनरल्स की बात करें, वो भी हमें नेचर से मिलता है, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। हमें लकड़ियां हैं या फॉरेस्ट से मेडिसिन जो मिलती है, वो भी प्राइमरी सेक्टर से आएगा। तो प्राइमरी सेक्टर हम किसको रिजेंबल करेंगे, यहाँ पर ऐसा रिसोर्स जहां से जो कि हमें नेचर से मिलता है और जिससे कि हम अर्निंग कर सके, ऐसे 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 जगह से जहां से हम अर्निंग कर सके, जहां से कि हम नेचुरल रिसोर्सेस मिल सके, तो ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो मोस्ट ऑफ द जितनी भी बैकवर्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि डेवलपिंग स्टेज पर जिस कंट्रीज है, वहां पर आपको इस प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग या फिर सबसे ज्यादा पीपल्स इंडल्ज मिलेंगे इसी सेक्टर में। बट एज द डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द इकोनॉमी, द पॉपुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम दिस फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर्स एंड गेट इन्वॉल्वड इन द सेकेंडरी सेक्टर। और जैसे डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर जो पीपल्स है वो अब प्राइमरी सेक्टर से स्विच करके कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती हो, मतलब आप इनडायरेक्ट बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज, ओके, जहां पर निर्माण होता हो, मैन्युफैक्चरिंग होती हो, ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ओके, जिसमें कि हम एग्जांपल ले सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, आप शुगर केन, जो शुगर इंडस्ट्री होगी जिसमें हम शुगर केन की हेल्प से शुगर बनाते हैं, फिर इसके साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री होगी, ये सारी इंडस्ट्रीज जो होगी ये हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। ओके, फिर आती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है टर्शियरी सेक्टर की। इसमें बेसिकली ऐसे जो भी हमें सर्विसेस मिलती है, लाइक आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज मिल गई, आपको बैंकिंग सर्विसेज मिल गई, आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिल गई, इनमें जो लोग इंप्लॉयड है इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, बैंक की जॉब हो गई, एजुकेशन में जो पीपल्स इंडल्ज है जो कि जॉब करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड, इन सारे जहां पर जितने लोग इंप्लॉयड है इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। ओके, आइए फिर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें क्या होता है, द एक्टिविटी दैट हैज बीन बेस्ड डायरेक्टली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जहां पर जो भी हमें लाइवलीहुड, जो भी हम अर्न करेंगे अपने लाइवलीहुड के लिए, जो भी हम अर्न करेंगे यानी कि हम यहाँ पे जो भी पैसा अर्न करेंगे, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट किन पे रहता है, नेचर पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, है ना, होता है कि नहीं। आपके पास पानी अवेलेबल होगा तो
आप अच्छे से खेती बाड़ी कर पाएंगे, बारिश अच्छी होगी। अब बहुत से फार्मर ऐसे होते हैं जो कि बारिश पर डिपेंडेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल हम एग्रीकल्चर का हम देख ही चुके हैं। वी हैव टू डिपेंड मेनली ऑन नेचुरल रिसोर्स लाइक सॉइल, रेन, सनलाइट, एयर एक्सेट्रा टू ग्रो क्रॉप्स। जैसे इसमें बताया कि हम पूरे नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं, बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं, सनलाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं, मिट्टी कि वहां की मिट्टी उस क्रॉप के लिए एलिजिबल है कि नहीं, कि वो ग्रो कर पाए, मीन्स उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, या फिर वो इतनी उपजाऊ जमीन है या नहीं कि वो वहां पर वो क्रॉप ग्रो हो सके। देयरफॉर एग्रीकल्चर क्रॉप इज अ नेचुरल प्रोडक्ट इन द सेम वे फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। तो इसी वजह से जितने भी नया नेचर से हमें चीजें मिलती है, लाइक जो फॉरेस्ट से जो भी हमें रिसोर्सेस मिलती है, या एनिमल हस्बेंड्री हो गई, पशुपालन हो गया, माइनिंग हो गई, ये सब कहां से आते हैं, हमें ये सब सारे सेक्टर कहां इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। माइनिंग सिंस जो मिनरल्स है कहीं ना कहीं वो हमें बाय नेचर ही मिल रहे, इसलिए माइनिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सेक्टर। इट कैन बी सेड इन ब्रीफ दैट वी प्रोड्यूस कमोडिटीज बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, देन दिस आर कॉल्ड एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हम कमोडिटीज बनाते हैं, यानी कि जितने भी हम गुड्स, जो भी हम सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, कहीं ना कहीं हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती, तो इन जो जहां से ही नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं उनको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। ओके, हियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट प्राइमरी सेक्टर इज द बेसिस ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट व्हिच आर मैन्युफैक्चर आफ्टरवर्ड्स। For example, iron ore is used in steel plants and various machines are made of it. Maximum natural products are obtained from agriculture, animal husbandry, fishery, forestry and mining. Therefore, this sector is also called agriculture and supporting sector. अब बात ये होगी इनको primary sector क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमें primarily मिल रहे हैं by natural resources, यानी पहला resources है। हमें खुद का effort बन करके हमें कोई चीजें create नहीं करनी पड़ रही, by nature हमें easily मिल रहा है। अभी जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया आयरन ओर का, जैसे माइनिंग हो गई, आयरन ओर से हमें आयरन मिलता है, उसको जाके जब जाके हम स्टील प्लांट में जाके हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे हम वेरियस चीजें बनाते हैं आयरन से। तो यहाँ पर हम माइनिंग के थ्रू हमें आयरन मिल रहा है, जो कि हमें बाय नेचर हमें मिल रहा है, इसीलिए आयरन थ्रू माइनिंग जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो हमारा प्राइवेट सेक्टर में आएगा। जब वो इंडस्ट्रीज में जाके उसमें कोई दूसरी चीजें बनेगी तब वो जाके सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ओके, इसके साथ साथ हमने जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, भले एनिमल हस्बेंड्री हो या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, फिशरीज हो गई, माइनिंग हो गई, ये सारे सेक्टर्स सपोर्टिंग सेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं, बिकॉज वो हमें नेचुरल नेचर से मिल रहे। और जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी कहा जाता है। ओके, फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। Under the activities of this sector, the natural products are transformed into other forms through manufacturing system. जितने भी हमें natural products मिलते हैं, okay, जैसे कि like अभी iron का ही example है, हमें हम raw iron ore से जो निकलता है, तो हम उसको direct use नहीं कर सकते, हमें उसको वहां पर हमें वहां पर उसको refine करना पड़ेगा, उससे extract करके फिर हमें जो भी various shapes में हमें iron चाहिए उसको हमें manufacture करना पड़ेगा। So, for example, to make machine from iron or to make cloth from cotton, etc. is the next step after the primary activities. Okay, like जैसे कि हमें कपड़ा बनाना है तो हमें कॉटन से बनाना पड़ता, लेकिन कॉटन में हमें बाय नेचर ही मिलता है, हमें कॉटन की क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती है। आयरन ओर है तो हमें आयरन पहले माइनिंग के थ्रू हमें आयरन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके हम आयरन को जो भी हम डिजायर्ड शेप देना चाहते हैं वो जाके हम कहां दे पाएंगे, इंडस्ट्रीज में दे पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दे पाएंगे। In this sector, goods are not produced directly through nature, but are manufactured through human efforts. हमें नेचर से बना बनाया चीजें नहीं मिल रही है, लाइक आयरन बार्स हमें नेचर से नहीं मिल रहे हैं, या फिर कपड़ा हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिल रहा है, हमें उसका एक रॉ प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि ह्यूमन एफर्ट्स लगाकर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और जो भी हम यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे बना रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज हम फैक्ट्रीज में कर सकते हैं। ओके, सो इस टाइप के इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ये किस कैटेगरी में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। फिर आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी जो कि टर्शियरी सेक्टर या फिर थर्ड सेक्टर,
the activities of the sector are far different from the primary and secondary sector. The activities of tertiary sector do not produce goods directly but assist in the process of production. For example, to sell the goods produced by primary and secondary sectors, trains and trucks are needed to transport them to the wholesale and retailer markets. Godowns are required to store the goods manufactured by the industries. Loans from banks are required from the production of goods by the primary and the secondary sector. Telephone, internet, post office, courier services are needed for the convenience of the production and trade. अब tertiary sector कोई भी product produce नहीं करता है. ओके लाइक जैसे हम बैंकिंग की बात कर ले, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है बट कहीं ना कहीं पर लेकिन वो असिस्ट करता है इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की यूनिट को, उनको असिस्ट करता है कि आपके प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोडक्शन पूरी तरह से प्रोडक्शन करके कैसे मार्केट में लाया जाए. अब एग्जांपल ले लो कि आपने इंडस्ट्रीज में आपने अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा, पर लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको या तो ट्रेन ट्रक वेरियस अदर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी. जब भी जाके आपका जो भी फैक्ट्री से चीजें हैं वो जाके किसी होलसेलर के पास जाएगा, फिर वो होलसेलर रिटेलर तक को बेचेगा. तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का ये असिस्ट करता है हमारी जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक लाने के लिए. इसके साथ साथ आपको इंडस्ट्रीज आपने सेटअप किया तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोन कहाँ से लोगे? बैंक से लोगे, जो कि पब्लिक सेक्टर में आता है. ओके इसके साथ साथ हमें आज इंटरनेट चाहिए, कुरियर सर्विसेज चाहिए, टेलीफोन चाहिए ताकि हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके और हमारा प्रोडक्शन और ट्रेड कन्वीनियंटली चलता रहे. दस द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंक एंड ट्रेड एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन टर्शियरी एक्टिविटीज. तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंक्स हो गया, ये सब इंक्लूड की जाती है टर्शियरी सेक्टर में. द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज एक्सेलरेटेड द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्टिविटीज. एज एक्टिविटीज ऑफ टर्शियरी सेक्टर क्रिएट सर्विसेज इन प्लेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. इन द इकोनॉमी देयर आर सच सर्विसेज Services also which instead of contributing directly help in production of commodities indirectly. The services of teachers, doctors, advocates, accountants and administrative officers can be taken as an example. Services of washermen, barber and cobblers are also very important. At present, the service based on the information technology such as internet cafe, ATM booths, call center, manufacturing of software etc. are also very important in the activities of production. ओके सर्विस सेक्टर, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों पर इम्प्लाय होता है? जितने भी जो जॉब कर रहे होते हैं बेसिकली लाइक टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, वॉशरमैन, बाबर, कॉबलर, ये सभी इसी सर्विस सेक्टर के अंडर आते हैं. ओके इसके साथ साथ इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन. ओके बट ये स्टिल दे कम्स इन द सर्विस सेक्टर बिकॉज दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज. लाइक आप कोई कंपनी को अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी तो उसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, उसको एक ऐप बनाए तो एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट होगी. सो कहीं ना कहीं दिस कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर. ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू.